सबसे पहले तो मैं देश के कोने कोने में मातृभूमि की सेवा में लगे हुए जन जन के कल्याण में खप रहे भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। 2024 पाई बीजेपी रा बड़ प्रस्तुति राजस्थान जयपुर रे आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक दल को विभिन्न राज्य विधानसभा और 24 लोकसभा पाई मोदी मंत्र आगामी 25 वर्ष पाई लक्ष्य स्थिर करने को कर्मकर्ता परामर्श मोदी विरोध में एकाठी हो पारना देशर विरोधी दल आंचलिक दलगुड़िकर अवस्था भी दुर्बल बीजेपी पाई आहुरी सहज विजय आणिबो आगामी निर्वाचन। भारत माता की, भारत माता की। केन्द्र में मोदी शासन को पूरा को जाउछि 8 वर्ष दीर्घ 30 वर्ष पर पूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल करी केन्द्र में सरकार गढ़ी थिवारु स्थिर रही शासन प्रशासन व्यवस्था एबे दलर लक्ष्य रही 2024 रो लोकसभा एवं ता पूर्वरु विभिन्न राज्य में अनुष्ठित होबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन एथिपाई आरंभ हो जाइछि प्रस्तुति। राजस्थान जयपुर में आयोजित होइछि राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे पदाधिकारी आगे मोदी रखिछन्ति आगामी 25 वर्ष पाई लक्ष्य स्थिर करिवार विजन। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। बीजेपी शासन काल में देशवासी आशा आकांक्षा बढ़ी ए परिप्रेक्ष्य सरकार दायित्व बढ़ी बीजेपी गत 8 वर्षर शासन मध्य देशर सेवा करी गरीब मध्यवित्त कल्याण पर योजना करने सामाजिक न्याय सुरक्षा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करी मात्र देशर अन्य केतक राजनैतिक दल न्यस्त स्वार्थपाई विभिन्न छोट प्रसंग को बड़कर देश सामने बड़ लक्ष्य विच्युत हो सहित विरोधी को टार्गेट करथिले मोदी। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। एही पदाधिकारी बैठक में सभापतित्व करथिले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी निर्वाचन सबको दृष्टि रखी दल केउं प्रकार रणनीति प्रस्तुत करिवो से बाबदरे मध्य व्यापक चर्चा और विचार विमर्श होइथिबा जना पड़िछि। हमें जहां संगठन का सवाल है हम बूथ सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। हमने सशक्त मंडल सक्रिय बूथ पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का हमारा जो कार्य है उसको हम लोगों ने बल दिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए बूथ के सशक्तिकरण और जहां बूथ कमजोर है उसके लिए क्या हम आगे उपाय कर सकते हैं उन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी तरीके से लोकसभा में हम कौन से लोकसभा के प्रवास को और आगे बढ़ाएं और किस तरीके से लोकसभा में हम मजबूती के साथ संगठन को खड़ा कर सकें इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलित वर्ष शेष बेलू गुजरात और हिमाचल प्रदेश 2023 राजस्थान समेत अन्य 8 राज्य एवं 2024 ओडिशा समेत अन्य केतक राज्य और लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित होबे। बीजेपी को विरोध करने अवस्था ना कांग्रेस टीएमसी और आप भली अन्य आंचलिक दलगुड़िकपरि आशा संचार करपरी स्थले आगामी निर्वाचन गुड़िक पूर्व अपेक्षा बीजेपी पर सहज विजय आनीदेव कहपे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।